कपू शर्मा, कपू शर्मा कैसा हो गया? गजब हो गया। गजब तो उसी दिन हुआ जिस दिन पैदा हुई थी तू। क्या हुआ? हुआ क्या? आपको पता है एक 150 डॉक्टर ने रिजाइन किया, कहते हमें वजन ही उठाना था, मजदूर ना बन जाते हम लोग। एक मुझे एक बात बताइए, इस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं वो जब पैदा हुए थे उनके बारे में सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप जब पैदा हुए थे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कैन यू टेल मी हाउ? हाउ? खैर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप मेरे साथ अंदर चलिए। क्या मदद की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, आपकी मदद की मैं क्या करूंगी, रहने दीजिए। नो नो नो, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी मदद का मैं अचार डालूंगी। हाय, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। अमाल मलिक? अमाल जी जी। ओ गॉड, मैं आपके सारे गाने फॉलो करती हूँ, मतलब फॉलो मतलब वो ट्विटर पे जो फॉलो वॉलो करते ना वैसे नहीं, आपके सारे गाने सुन रखे मैंने। थैंक यू। वो भी आपका ही गाना है ना, मतलब ये गाना सुनते ही ना मैं तो एकदम मतलब ही हो गई थी, एकदम सेल्फिश सच में, बहुत सेल्फिश है। नहीं नहीं, मेरी बहन को मैंने अपने सामने ऐसे सीढ़ियों से गिरते हुए देखा, मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया, बिकॉज़ आई एम सेल्फिश, मतलब ही। एक मिनट रणदीप जी, सही में क्या हो रहा है ना कि मुझे एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है अंदर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हमारे एक सीनियर वाईआर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी, तो उनका वो ऑपरेशन कर रहे थे, अचानक ऑपरेशन करते करते ना ऊपर से कैसे हेलीकॉप्टर गुजरा, तो वो हेलीकॉप्टर को देखने लगे, उन्हें बड़ा शौक है हेलीकॉप्टर देखने का। अब देखते 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 वो एकदम काफी आगे निकल गए हैं और पेशेंट खुला पड़ा है। तो हम चाहते हैं ऑपरेशन आप कंप्लीट कर दें, बस आइए ना थोड़ा सा ऑपरेशन कर। मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। आइए, वो पेशेंट खुला पड़ा है, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, ठीक है, मैं इनको अभी ऑपरेशन खत्म करके लेके आती हूँ। हेलो गाइस, हाय। हेलो, बहुत जरूरी मीटिंग से आ रहा हूँ इसलिए लेट होगा, आई अपोलोजाइज। किस चीज की मीटिंग थी डॉक्टर साहब? वो हमारे पंचर एसोसिएशन वालों की मीटिंग थी। कोई कहता है 5 रुपये रेट रखो, कोई कहता है 10 रुपये रेट रखो, हमने कहा फिर 7 रुपये फिक्स कर लिया है, अब मामला डन हो गया। तो डॉक्टर साहब आप वो तो जैसे पंक्चर के रेट फिक्स कर रहे हो, थप्पड़ क्यों नहीं फिक्स करते? जैसे कोई आपको 2 मार जाता है आके, कोई 5 मार जाता है, तो उसका भी एक फिक्स रखना चाहिए। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्लाइंट के हाथ में, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मीटिंग वो करें, ठीक है। काजल, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका ब्रीदिंग टेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, कीजिए। इसके अंदर आप जरा ब्रीथ करें, बस बस बस। ये क्या है? ये आगे जो मरीज आएंगे उसको ऑक्सीजन देने के काम आएगी, तो मैंने इसके अंदर रख लिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर होते हैं वो, देखिए वो रणदीप के पापा बैठे हुए हैं, वो हैं असली डॉक्टर। हेलो सर, मेरे को ना छींकी आ रही है, क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर होते हैं वो, देखिए वो रणदीप के पापा बैठे हुए हैं, वो हैं असली डॉक्टर। हेलो सर, मेरे को ना 5-7 चीजें मुझे आपसे पूछनी थी, आपको कहीं से मैं फेक लगता हूँ? नहीं। कभी ऐसे ऑक्सीजन भरता कोई ऐसे बॉटल में? नहीं। अंकल इनसे पूछो कौन सा डॉक्टर है, सर्जन है आप क्या, आप फिजिशियन है, क्या करते हैं आप? आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर ही करता हूँ। I am started from surgery. वो मेरा सारा equipment है, उसके ऊपर जब छेद होता है तो हम उसके ऊपर लगा देते हैं टेप। तो वो इससे ये तो पंक्चर हो गया ना? तो पंक्चर भी तो सर्जरी हुई है ना यार। बाकी मेरी तबीयत खराब होती है तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। भाई कपू, ये मैं कैसे आ गया अभी सामने से, मैं तो इधर से आया। मैं डॉक्टर बाल्टी हूँ। हाँ जी, बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, आप नहीं है वो, बहुत बड़े डॉक्टर है। MSBD? MSBD मतलब क्या होता है? मुझसे भी बड़े डॉक्टर। जी हाँ, ये आज AKT करेंगे। AKT आपका टेस्ट। मैं तेरा स्टूल टेस्ट कर देना। स्टूल आओ, स्टूल लेके आओ। बड़े डॉक्टर भाई। डॉक्टर गुलाटी हाँ जी, आपका स्टूल टेस्ट करना, बैठो।
बैठो, बैठते क्यों नहीं अब? टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका स्टूल तो बहुत ज्यादा कमजोर है, थोड़ा खाया करो डॉक्टर साहब, पंचर लगाना कम करो, नहीं तो डॉक्टर की जगह प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तुम्हारा अभी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छे आओ, ये कोई डिसेंट टेस्ट नहीं लग रहा मुझे। तो आपने डिसेंट किया था बोतल में? एक मिनट एक मिनट, आपकी कोनी आपके पीछे लगती है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। और मेरे डब्बा ले आ, टिफिन बॉक्स उसमें पैक करने वाले हैं मुझे शायद ये। हाँ जी अच्छा है। इन्होंने बदला ले लिया अपना। ये तो फिर अपना सी फूड हो गया ना। हेलो गुलाटी साहब का स्टाफ कहाँ है? कप्पू मेरे में गुंजल पड़ गई। हेलो आपका डॉक्टर टेढ़ा हुआ। तेरे को तो राम भी नहीं उठा सकता। एक बार अमाल काजल और रणदीप के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।